राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से अलवर में झूठे मामले दर्ज कराने के विरोध में एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन के संभाग प्रभारी मुन्नालाल शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि वर्तमान में रोडवेज निगम के श्रमिक संगठनों में आपसी टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति के चलते झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं और जिसकी पुलिस अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई गई है। एप्लीकेंट द्वारा चीफ मैनेजर पर आरोप लगाया जा रहा है, भाई 2 लाख रुपए मेरे ले लिए और 10-11 महीने का पूर्व का मामला है। चीफ मैनेजर का डायरेक्ट कोई उसमें आउटपुट नहीं है और अब वो बार बार बयान बदल रहा है। अभी 3 दिन पहले जो जांच मुख्यालय के द्वारा आई हुई थी मत्स्य नगर में, उस जांच में उसने कुछ कहा और अब जो जांच में वो बयान बदल रहा है, इसका मतलब वो पैसे का लेन देन चाहता है, वो ब्लैकमेल कर रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, ऐसे जो दीपक सेन नामक जो कंडक्टर है और उसको हाईजैक कर लिया एक संगठन द्वारा, यूनियनों के आपसी टकराव है वहाँ BMS का और एटक का, उसको वो एटक का पार्ट बना हुआ है, एटक द्वारा उसके झूठे झूठे बयान लेकर बार बार उसको बयान बदल कर नए नए लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब फला आदमी ने मेरे को जबरदस्ती एफिडेविट लिखवा लिया, जबकि पैसे लेके उसने एफिडेविट लिख दिया लोगों से।